प्रशासन गांव एवं शहरों के संघ अभियान 2021 की तैयारियों का हुआ बैठक का आयोजन। सैपो की प्रमुख खबर। पंचायत समिति सैपो में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने प्रशासन शहर एवं गांव के संघ अभियान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। कैंपों के आयोजन से पूर्व की तैयारियां, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरण, आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आवंटन, गैर प्रतिबंधित समस्त प्रकरणों के निस्तारण के निर्देशों सहित आपसी सहमति से खाता विभाजन, रास्ते के प्रकरण, नामांतरण, आबादी, आवास भूमि आवंटन, सीमा ज्ञान पृथ्वीकरणी, राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्धिकरण, अन्य विभागों द्वारा निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा, नवीन जॉब कार्ड अभियान के दौरान जारी आवासीय पट्टों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को किश्तों का भुगतान सहित अन्य योजनाओं के संबंध में चर्चा कर दिए निर्देश। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, SDM सेपो ललित कुमार मीणा, खंड विकास अधिकारी सेपो अनुज कुमार रावत, समाज कल्याण अधिकारी विश्वदेव पांडे, अधिशासी अभियंता रामबोल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। समस्त प्रदेशवासियों एवं धौलपुर जिला के निवासियों को दीपावली एवं धनतेरस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजकिशोर शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर। पाटोर की छत टूटने से हुआ बड़ा हादसा, 4 जने हुए गंभीर रूप से घायल। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड के अंतर्गत खरोली गांव में सोमवार दोपहर कच्चे मकान में पत्थर की पाटोर टूट गई। हादसे में पाटोर के ऊपर बैठे 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से चालक अतेंद्र मीणा एवं स्टाफ अनिल रावत ने करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 जने की हालत ज़्यादा बिगड़ने पर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घायलों में सतीश पुत्र रामकिशन उम्र 22 वर्ष, पूरन पुत्र रामकिशन उम्र 40 वर्ष, मनोज पुत्र बच्चू सिंह उम्र 30 वर्ष, बड़े पुत्र विजेंद्र सिंह शामिल रहे हैं। वहीं पूर्व में भी एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा समय पर घायलों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर जान बचाई जा चुकी है, जिससे लोगों के द्वारा सराहना की गई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं सभी लोगों को दिवाली की गोवर्धन की और भाई दूज की बधाइयां देना चाहता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लास्टिक ड्रम फटने से 5 घायल गंभीर हालत में जयपुर रेफर, मरेना की प्रमुख खबर। कस्बे में प्लास्टिक ड्रम में पेट्रोल डालकर तथा आग लगाकर उसे साफ करने में कुछ लोग लगे हुए थे। ड्रम का ढक्कन बंद करने से प्लास्टिक का ड्रम फट गया। फटने से घायल हो गए 5 लोगों में अशोक पुत्र शिवचरण, शिवानी पुत्री अशोक, भूपेंद्र पुत्र अशोक, हेमंत पुत्र अशोक एवं राजेश पुत्र रामवीर लोधा बताए गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिए गए हैं। मरेना से विजय सिंह लोधा की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, सभी उदयपुरवासी, धौलपुर बाड़ीवासी और सभी प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप धन धान्य और समृद्धि को प्राप्त हों। प्रशासन गांव एवं शहरों के संघ अभियान 2021 की बैठक आयोजित, सरमथुरा की प्रमुख खबर। प्रशासन गांव एवं शहर के संघ अभियान का जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, पट्ट वितरण, नवीन पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के मुद्दों, SBM, LOB, NLOB में प्रोग्रेस, भुगतान शेष एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तहत DPR के संबंध में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा दे विशेष छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जागरूक करने के संबंध में दिए निर्देश। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, उपखंड अधिकारी सरमथुरा मनीष कुमार, तहसीलदार एवं EO नगर पालिका राजकुमार, खंड विकास पीठ अधिकारी, प्रवर्तक निरीक्षक जिला रसद गजेंद्र शर्मा, अभियंता रामबोल सिंह सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जी, दीपावली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की जय बोलते हुए मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं
और ईश्वर से आराधना करता हूँ कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज के पवन पावन अवसर पर भगवान सभी को सदैव सुखी, संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रखे। लक्ष्मी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सभी सौहार्दपूर्वक भाईचारी से रहेंगे साथ साथ, इसी कामना करते हुए आपको पुनः शुभकामना देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धौलपुर हल्ला बोल जन सरोकार मंच की मुहिम को मिलने लगी सफलता। धौलपुर की प्रमुख खबर, मचकुंड धौलपुर को कृष्णा सर्किट से जुड़वाने की मुहिम धौलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने में मददगार साबित हो रही है। धौलपुर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि केंद्रीय मंत्री को हल्ला बोल मंच द्वारा धौलपुर के पर्यटन के संबंध में भेजे गए फोटो, एल्बम और लेखों के बाद 27 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल से धौलपुर की डॉक्यूमेंट्री को प्रदर्शित किया है और साथ ही लिखा है कि राजस्थान में धौलपुर पुरानी सभ्यताओं और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का आदर्श मिश्रण है। धौलपुर लाल पत्थर की भूमि के रूप में माना जाता है, जिसकी अनूठी और सौंदर्य वास्तुकला समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन मंत्री द्वारा धौलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर जगह देने के लिए हल्ला बोल जन सरकार मंच ने मंत्री जी को धन्यवाद दिया और मंच के एडवोकेट प्रमोद शर्मा, गिरीश उपमन्यु, अशोक सिकरवार, लोकेश राजपूत, ब्रजमोहन दीक्षित एवं रामकिशोर लवानिया सहित धौलपुर के गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। धौलपुर से एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के समस्त निवासियों एवं बाड़ी के समस्त निवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई, धन्यवाद। पंचायत समिति प्रधान द्रौपदी देवी ने किया पदभार ग्रहण। सरमथुरा की प्रमुख खबर, पंचायत समिति के प्रधान द्रौपदी देवी ने पूजा अर्चना कर विधि विधान पूर्वक पदभार ग्रहण किया। प्रधान द्रौपदी देवी ने बताया कि क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक दलजीत सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा, योगेश शर्मा, संजय जाटव, सुआलाल जाटव, नरेश मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, बाजारों में उमड़ी भीड़। सरमथुरा धौलपुर की प्रमुख खबर, जिले में आज धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खूब धन की वर्षा हुई, लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की। इसी क्रम में धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा सहित जिले भर के बाजारों में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे जाम जैसी स्थिति बनती दिखी। जिला मुख्यालय धौलपुर, जगन चौराया मार्केट, लाल बाजार सहित पूरे शहर में गहमी का माहौल रहा। साथ ही पिछले सालों की अपेक्षा इस बार ग्राहकों की अधिक भीड़ रही, जिससे प्रमुख रूप से सोने चांदी की दुकानों, कपड़े, बर्तन, रंग रोगन आदि की दुकानों पर अधिक भीड़ देखी गई। साथ ही कुछ दुकानदारों ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से दुकानों पर खासा प्रभाव पड़ा है, जिससे उम्मीद के अनुसार ग्राहक नहीं आए। सराफा मार्केट में सबसे आकर्षक 3 ग्राम चांदी के लड्डू गोपाल जी एवं 2 ग्राम के चांदी के मुकुट सहित सोने के ताज की गड्डी रही। वहीं सराफा दुकान पर मूर्तियां, सिक्के, बर्तन सहित आभूषणों की जमकर खरीदारी हुई। सरमथुरा से विष्णु सोनी एवं धौलपुर से उमापाल की रिपोर्ट। रीट प्रथम लेवल में सैपो की शिवानी शर्मा ने किया धौलपुर टॉप। धौलपुर की प्रमुख खबर, रीट परीक्षा का परिणाम जिले के अभ्यर्थियों के लिए खुशियां लेकर आया है। सैपो उपखंड की बेटी शिवानी शर्मा ने प्रथम लेवल में 150 में से 144 अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में अपना नाम दर्ज किया। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शिवानी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों के साथ साथ विप्र फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की गई निःशुल्क टेस्ट सीरीज को दिया है। टॉपर शिवानी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज से मुझे अपनी कमियां पहचानने का मौका मिला, जिनको दूर कर आज यह मुकाम हासिल कर पाई हूं। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि विप्र टेस्ट सीरीज में सभी साथियों के कुशल मार्गदर्शन एवं टेस्ट सीरीज के सफल संचालन की वजह से ही आज इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के चयन हुए हैं। शिवानी की सफलता पर विप्र फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। फाउंडेशन के सदस्य विवेक शर्मा ने बताया कि विप्र टेस्ट सीरीज 368 छात्रों ने भाग लिया था। शिवानी की सफलता पर उनके घर बधाई देने वालों का जमावड़ा लगा रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, अशोक पचौरी, विप्र संजीव, विवेक शर्मा, गिरीश शर्मा, राम नरेश पचौरी, रवि व्यास, सत्येंद्र शर्मा, लकी रावत, गोविंद शुक्ला, राधा मोहन शर्मा, नवीन शर्मा, नीलकमल शर्मा, ब्रजेश तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ द्वारा जो विप्र रीट परीक्षा की टेस्ट सीरीज आयोजित कराई थी, आज उसी का परिणाम, रीट परीक्षा का परिणाम आया है, जिसका प्रतिफल शिवानी शर्मा के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। शिवानी हमारी विप्र टेस्ट सीरीज का निरंतर हिस्सा बनी रही और उन्हें पूरी टीम द्वारा विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। उसी क्रम में आज लगभग 70 से 80 बच्चों के सुबह से फ़ोन कॉल्स आए हैं और हमें धन्यवाद दिया गया है, हमारी पूरी टीम को धन्यवाद दिया गया है। यह हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, ना केवल विप्र समाज से, सारे वर्ग और धर्मों से हमारे बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया था और उनमें से करीबन बहुत सारे बच्चों का इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो बच्चे इस परीक्षा में रह गए हैं वो निरंतर प्रयास करते रहें, आपको भी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम शिवानी शर्मा, फादर्स नेम सतेंद्र कुमार शर्मा। वीक लेवल 1 में 144 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों, साथ ही विप्र फाउंडेशन को देना चाहूँगी, जिसकी टेस्ट सीरीज से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और मेरी कठिनाइयों को, कमियाँ थी, उन्हें जानने में सफलता प्राप्त हुई और फिर मैंने सफलता प्राप्त की। थैंक यू। 2 अवैध देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त, मनिया की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में संपूर्ण जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत दिवस मनिया थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने मय पुलिस जाप्ता के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो हरेंद्र पुत्र जगदीश एवं अंकित पुत्र जगदीश बताए गए हैं, जिनके कब्जे से 2 315 बोर अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए तथा एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। नीट की मेडिकल परीक्षा में बसेड़ी के दीपक गोयल का हुआ चयन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों के द्वारा आज मेडिकल शिक्षा के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में बसेड़ी निवासी दीपक गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल मई वालों के द्वारा 655 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 3192 वी रैंक हासिल करने पर मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि नीट परीक्षा में चयनित होकर दीपक गोयल ने परिवार के साथ साथ अग्रवाल समाज बसेड़ी का नाम रोशन किया है। दीपक गोयल प्रारंभ से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने 12वीं की परीक्षा 99.20% व 10वीं की परीक्षा 95.17% अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। छात्र दीपक गोयल ने कहा कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों व मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि दिनों रात पढ़ाई की जाए। डॉक्टर बनकर मैं हमेशा समाज सेवा करूँगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल, प्रदेश सचिव रवि गोयल, ओम प्रकाश गर्ग, भूपेश गर्ग, अभिषेक गोयल सहित परिवारी जनों व समाज के लोगों ने बधाई दी। अवैध देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ 1 गिरफ्तार, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध हथियारों के अभियान के अंतर्गत गत दिवस सदर थाना धौलपुर के थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में ESI लाल मन ने मय जाप्ते के साथ पुरानी छावनी स्कूल के नजदीक से 1 व्यक्ति भूरा पुत्र रामविलास गुर्जर निवासी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए।